था ये स्नेक, अभी इसको करवाने वाले हैं लंच। तो कमज़ोर दिल वाले हजरात जिनको ये नहीं पसंद देखना कि ये चूहा कैसे खाते, तो पहले से ही बता रहा हूँ आप ये स्क्रीन जो है वो स्विच कर दें, ये आपकी काम की नहीं है। तो गाइज मेरी बहुत सारी स्नेक्स की कलेक्शन में एक ऐसा स्नेक है जो साइज में सबसे छोटा है, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा वो फेवरेट है, और इस वक्त उसको हमने अपनी गार्डन के अंदर छोड़ा है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके, और वो स्नेक आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये है रेड टेल बोआ। ये इस वक्त इंजॉय कर रहा है अपनी एक्सरसाइज को, इसको हमने पौधों पे छोड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है इस वक्त ये, इसका माल का अपनी जबान देखेंगे कैसे हिला रहा है। ये देखें इसके लुक्स, देखें इसकी आंखें, देखें, मुझे यही इसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये मैं आपको अभी रीज़न बताता हूँ कि ये सांप जो है ये ज़बान इस तरीके से क्यों निकालते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसको रेड टेल बोआ क्यों कहा जाता है वो मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। ये इसकी टेल है और ये देखें ये इसकी टेल जो है, इसका जो हैंड का जो सिरा है ये रेड कलर का है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है। रेड टेल बोआ स्नेक को बोआ कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। ये वो स्नेक्स होते हैं जो कि नॉन वेनमस होते हैं, लेकिन इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखें इसने किस तरीके से टहनियों को जकड़ रखा है। अगर मैं अभी इसे निकालने की कोशिश करूँगा तो ये बहुत मुश्किल से ही निकलेगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको निकालते हैं और हम इसको अपने रेप्टाइल रूम में लेके जाते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है इसका शिकार करने का स्टाइल। ये अपने शिकार को ज़ोरदार तरीके से पकड़ता है, उसको जकड़ लेता है, उसको लपेट लेता है, और उसके बाद उस शिकार को साबित निकल के खा लेता है। चाहे वो शिकार का साइज़ इसके मुंह के साइज से तीन चार गुना ज़्यादा बड़ा ही क्यों ना हो, यानी ये एक छोटा सा स्नेक एक चूहे को बहुत आराम से खा सकता है। और अभी हम आपको ऐसा करके दिखाएंगे। फ़िलहाल तो इसका मूड नहीं हो रहा यहाँ से जाने का, इसको बहुत मज़ा आ रहा है और इसको बहुत अच्छा लगता है इस तरह की टहनियों पे चलना फिरना। और ये सांप पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये इम्पोर्टेड हैं, ये बाहर से मंगवाए गए हैं। ये बहुत छोटा सा बेबी आया था, बहुत ही छोटा था, ऑलमोस्ट जो शू लेस होती है उसके जितना ये पतला था, और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये माशाल्लाह जो है अराउंड कोई 3 महीने का ये हो चुका है, और इसको अभी हम खाना भी खिलाएंगे हमारे इस रेड टेल बोआ को। उसने स्किन भी शेड कर लिया और अभी बहुत ज़बरदस्त हेल्दी फील कर रहा है। सनलाइट भी इसको हम लगाते हैं ताकि इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा रहे। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये स्नेक, अभी इसको करवाने वाले हैं लंच। तो कमज़ोर दिल वाले हजरात जिनको ये नहीं पसंद देखना कि ये चूहा कैसे खाते, तो पहले से ही बता रहा हूँ आप ये स्क्रीन जो है वो स्विच कर दें, ये आपकी काम की नहीं है। और ये उनके काम का है जो रेप्टाइल लवर्स है, जो बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं कि इनका जो नेचुरल फूड है वो नेचुरल ही होता है। तो अभी इसको हम लेके जाते। अच्छा, इसके बारे में एक और फन, बोआ एक ऐसा सांप होता है जो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम इसकी भी ब्रीड कराएंगे। इसको फ़िलहाल हम लेके जा रहे हैं हमारे रेप्टाइल रूम में जहाँ पर हम इसको खिलाने वाले हैं लंच। तो लेट्स गो। इन जनाब को रखते हैं इसके इनक्लोजर में, और यहाँ पे भी इसको देंगे हम इस वो एक माउस, और अभी इसको हम एक माउस डाल रहे हैं, और इसका अटैक देखिएगा कैसा होगा इसके ऊपर। अगर ये इसको सेंस कर लेगा तो बहुत ज़बरदस्त अटैक करेगा। और ये अटैक होने वाला है, बहुत ही जोरदार तरीके से करेगा, शायद मेरा हाथ भी झटका खा जाए। ये देखें ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, ये इसने पकड़ लिया, ये देखें जी, और अब ये इसको नहीं छोड़ेगा, और इसको जरा सा हिलाते हैं तो ये देखो उसको ग्रिप कर लेगा, ये समझेगा कि ये जिंदा है, और ये उसको लिपट के मारने की कोशिश करेगा। ये देखें जी, हाँ तो जी, अब ये थोड़ी देर के अंदर उसको जो है वो पूरा निगल के खा लेगा। और ये जो निगलने वाली वीडियोस है मैं पहले भी मैंने डाली हैं, दोबारा भी डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, आज का दिन एंड होता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक जिमी जुनैद। अल्लाह हाफ़िज़।